चलो देखना, और लास्ट चैप्टर पर बात करते हैं। लास्ट चैप्टर का नाम क्या है? इन्वायरमेंटल इशू। क्या नाम है? इन्वायरमेंटल इशू। देखो भाई, ऐसा है, हम कानपुर में तो है नहीं, हम आ गए हैं घर, तो यहाँ पर ज्यादा सुविधाएं नहीं है। तो देखो भाई, डेढ़ चैप्टर ऐसे झेल लो, क्योंकि ये मेरा स्टाइल नहीं है ऐसे लिख कर पढ़ाना, मतलब ऐसे पहले लिख लो फिर पढ़ाओ, ये हमारा बिल्कुल स्टाइल नहीं है। इस स्टाइल में ये तो वैसे हो गया, मतलब छाप लो, मतलब समझ में पूरा आएगा, लेकिन वो जो क्लास वाली फीलिंग नहीं आएगी। क्लास वाली फीलिंग मतलब जैसे क्लास में चीजें पूरी रट जाती हैं, वैसे यहाँ पर चीजें रटेंगी नहीं। हाँ, क्लियर पूरा हो जाएगा, लेकिन मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। अरे लास्ट ही चैप्टर तो बचा है, डेढ़ ही चैप्टर, तो डेढ़ चैप्टर की बात थी, बाकी साल भर मेहनत से पढ़ाया है ना। देखना तो डेढ़ चैप्टर थोड़ा एडजस्ट कर लो इधर, क्योंकि अब 15 तारीख से लगभग 14 तारीख तक बंद ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो बना दे रहे हैं। हाँ, तुम्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि नोट डाउन करोगे तुम, उसके बाद तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा याद करने में। जैसे हम क्लास में याद करवा देते थे, वैसा यहाँ नहीं हो पाएगा। हाँ, तो चलो लास्ट चैप्टर है, उसके बाद हम सीधा बात करेंगे। लास्ट ये चैप्टर खत्म होते ही हम बात करेंगे रिविजन पर। क्या करेंगे? रिविजन कराएंगे। हाँ, इधर देखना, अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल इशू, किस पर बात करते हैं? इन्वायरमेंटल इशूज। इशूज मतलब क्या होता है? मुद्दे। क्या होता है? मुद्दा। हम जानते हैं आज हमारा पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या? बहुत तेजी से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लास्ट 100 साल में हमारी पॉपुलेशन क्या हुई है? बहुत तेजी से बढ़ी है। तो देखना, ह्यूमन साइज होगा इंक्रीज्ड एनॉर्मसली, मतलब होता बहुत तेजी से इन लास्ट 100 ईयर। तो लास्ट 100 ईयर में जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ा। अगर इंडिया में बात कर लो, हमने बताया था इंडिया में बात कर लो, तो इंडिया में पॉपुलेशन का बढ़ना किसके बाद हुआ है? आजादी के बाद हुआ है। लोग आजाद हुए उसके बाद, हाँ समझ लेना, पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट। तो भैया, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो बताओ डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चीजों का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? खाना हमें ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें रोड का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बनेगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? होम का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इन जैसे जैसे इंक्रीज पॉपुलेशन होगा तो डिमांड भी तो बढ़ेगा। तो देखना, इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज डिमांड, पॉपुलेशन क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो इंक्रीज द डिमांड फॉर किसके लिए? फूड के लिए, वाटर के लिए। जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा फूड, उतना ज्यादा हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए, और रहने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए? रोड भी चाहिए। अब रोड चाहिए किस लिए? रोड पे चलने वाला मोटर भी चाहिए ना, तो ऑटोमोबाइल्स भी चाहिए। इतनी बात एकदम क्लियर है? तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? डिमांड भी बढ़ रहा है। अच्छा देखना, पहले की पॉपुलेशन क्या थी? कम थी। तो खेत में क्या होता था? खेती हम क्या करते थे? कम करते थे। लेकिन आज क्या है? पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, हमें खाने की जरूरत है, तो हमारा डिमांड, इंक्रीज डिमांड, प्रेशर और नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब हमें खाना पीना क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि खेत हमारे पास लिमिटेड है। वही खेत है, उसको हम लगातार डिफॉरेस्टेशन करके काट दे रहे हैं। अब देखना, तो नेचुरल रिसोर्सेस को बढ़ाने के लिए उस पर क्या है? प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेस, कि हम कैसे स्रोत को क्या कर सके? बढ़ा सके। एंड अब देखना, स्रोत को बढ़ाने के लिए पहले उतना ही खेत था। मान लो पहले 1 बीघा खेत में एक टन गेहूं का पैदावार होता था, लेकिन अब वही उतना ही खेत है हमें, लेकिन पैदावार क्या करना है? ज्यादा करना है। तो आप फर्टिलाइजर का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे। पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज करेंगे। तो ये सब जो केमिकल यूज कर रहे हैं, तो वो कंट्रीब्यूट भी करेगा क्या? पॉल्यूशन। क्या कंट्रीब्यूट करेगा? पॉल्यूशन ऑफ एयर। एयर को क्या कर देगा? पॉल्यूटेंट्स कर देगा। इतनी बात एकदम क्लियर है? एयर को क्या कर देगा? पॉल्यूटेंट्स कर देगा। अब देखना, बात होता है यहां से आता है पॉल्यूशन। क्या आता है? पॉल्यूशन। आखिर में पॉल्यूशन है? पॉल्यूशन देखना, कुछ भी अगर इन्वायरमेंट में अनचाहा चेंज हो रहा है, जो हम सोच नहीं रहे थे उतना चेंज हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। एनी अनडिजायरेबल मतलब जो हम चाह नहीं रहे थे, चेंज इन इन्वायरमेंट। अगर कुछ भी इन्वायरमेंट में कुछ भी अनडिजायरेबल चेंज हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। सिंपल सा मतलब है, अनडिजायरेबल, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंट। इतनी बात एकदम क्लियर है? अब वो
अनडिजायरेबल चेंज, फिजिकल भी हो सकता है तुम्हारा, हो सकता है केमिकल भी, हो सकता है कोई बैक्टीरिया बैक्टीरिया तुम्हारे उसमें, बायोलॉजिकल भी हो सकता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट को चेंज करता है तो उसे क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल बोलेंगे। अगर कोई केमिकल एनवायरमेंट को चेंज करता तो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल बोलेंगे। ऐसे मान लो हमने पेड़ को काट के रास्ता बना दिया तो वो किस क्या चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। बात एकदम क्लियर है? अब देखना तो पॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, एनी फिजिकल चेंज, एनी फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल चेंज इन एनवायरमेंट, कोई भी अनडिजायरेबल फिजिकल चेंज हो जाए, केमिकल चेंज हो जाए, बायोलॉजिकल चेंज हो जाए, किसमें, एनवायरमेंट में। अब देखना, अब उसके बाद हम बात करते हैं ये पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स। तो देखना, ऐसा ऐसा फैक्टर या ऐसा एजेंट जो पॉल्यूशन करा रहा है, ऐसा एजेंट जो पॉल्यूशन करा रहा है उसे क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट्स। मान लो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है वो पॉल्यूशन करा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट्स। मान लो कोई केमिकल है जो कि एनवायरमेंट को गंदा कर रहा है, पॉल्यूशन करा रहा है, अनडिजायरेबल चेंज करा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है? देखो पॉल्यूशन के, पॉल्यूशन लगातार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। हाँ, इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ट एक एक्ट निकाला। क्या निकाला, एक्ट निकाला जिसे कहा गया एनवायरमेंटल, या इसे बोल दो एनवायरमेंट या प्रोटेक्शन एक्ट। सन कब था, 1986। ये एक्ट कब निकाला गया, 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्ट, एनवायरमेंट एक्ट बोल दो या क्या बोल दो, प्रोटेक्शन एक्ट। कब निकाला गया, 1986। इसमें किस लिए निकाला गया, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें, प्रोटेक्ट करने के साथ हम उसमें इंप्रूवमेंट ला सकें। क्या ला सकें, इंप्रूवमेंट कर सकें, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट। अच्छा, हमारा एनवायरमेंट जैसे क्या है, जैसे एयर हो गया, सॉयल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, वाटर हो गया, ये क्या हमारा सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा एनवायरमेंट बनाते हैं। तो देखना, तो ये जो एक टायर है वो किस लिए आया था, ताकि हम पॉल्यूशन को क्या कर सके, रोक सके, उसके बाद हम क्या कर सके, उसको उस क्वालिटी को क्या कर सके, अपने एनवायरमेंट की क्वालिटी को क्या कर सके, पहली बात तो एनवायरमेंट को पॉल्यूशन से रोक सके, उसके बाद उसमें उसकी क्वालिटी को क्या कर सके, बढ़ा सके। देखना भाई, अब इस चैप्टर में तीन टाइप के पॉल्यूटेंट्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एयर पॉल्यूटेंट्स, एक पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूटेंट्स, फिर पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूटेंट्स। इतनी बात एकदम क्लियर है? तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी में, इंट्रोडक्शन के बाद पहला टॉपिक है जो, वो है एयर पॉल्यूशन। क्या है, एयर पॉल्यूशन। हाँ, पॉल्यूशन मतलब हमने क्या बताया, एनी अनडिजायरेबल चेंज, कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हो जाए एनवायरमेंट में उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन। अब हमारा ये एनवायरमेंट हो क्या सकता है, हो सकता है एयर हो सकता है सॉयल हो सकता है क्या हो सकता हो वाटर हो। तो देखना, यहाँ पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, एयर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है और इसका कंट्रोल कैसे करेंगे। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर में हम जानते हैं एयर का क्या हो जाना, पॉल्यूटेंट्स हो जाना, अनडिजायरेबल चेंज इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। लेकिन देखना, एडिशन ऑफ, अगर एयर में हम लगातार कोई पार्टिकल डाल रहे हैं, कोई लगातार पार्टिकल डाल रहे हैं तो वो हवा, मान लो पोलन ग्रेन लगातार डाल रहे हैं, और पोलन ग्रेन जानते हो एलर्जी कर, कुछ पोलन ग्रेन एलर्जी कराता है तो एलर्जी को करवाएगा, तो बताओ वो एयर वहां का पॉल्यूटेंट्स हुआ कि नहीं हुआ। तो एडिशन ऑफ, अगर मान लो कोई हार्मफुल गैस हम डाल रहे हैं तो एयर पॉल्यूटेंट्स हुआ कि नहीं हुआ। तो एयर पॉल्यूशन का डिफिनेशन लिख सकते हैं हम, इज अ एयर पॉल्यूशन इज अ एडिशन ऑफ, एडिशन मतलब जोड़ना मतलब डालना, एडिशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल को ऐड करना, पार्टिकल ले लो चाहे गैसेस ले लो, हार्मफुल गैसेस ले लो, या कोई केमिकल ले लो, हार्मफुल केमिकल ले लो, उसको हम ऐड कर रहे हैं हाँ, इनटू किसमें, इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या करना, अब हाँ हालांकि तो हम करेंगे अपने यूज के लिए, मान लो कोई केमिकल डाल रहा है अपने यूज के लिए डाल रहे हैं, लेकिन मान लो कोई हाँ ऐसा केमिकल डाल रहे हैं जो इंसेक्ट को मार दे, इंसेक्ट को मच्छर को मार दे, लेकिन वो हमारे लिए भी घातक है ना, हमारे डाल रहे हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन वो हमारे लिए क्या है, एक्चुअल में क्या है, वो घातक है। तो इसे क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ, चाहे कोई पार्टिकल का ऐड कर लो, चाहे कोई गैसेस ऐड कर लो, और चाहे कोई हार्मफुल केमिकल ऐड कर लो, किसमें, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में अगर ऐड करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन। अच्छा, हमने बताया जो ऐसा एजेंट
जो पॉल्यूशन करा रहा है उसे क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। हम जानते हैं अच्छा अगर मान लो एयर ना हो तो हम सर्वाइव कर जाएंगे बिल्कुल आराम से? नहीं भाई, हम एयर पे डिपेंड है किस लिए? रेस्पायरेशन के लिए। किस लिए? O2 लेते हैं कि नहीं लेते हैं? O2 जमीन के अंदर से तो आता नहीं है, कहां से आता है? एटमॉस्फेयर से आता है। तो जो O2 लेते हैं वो कहां है? एयर में है। तो इसका मतलब O2 लेना और CO2 छोड़ना, O2 लेना और CO2 छोड़ना, ये कहलाता है ब्रीदिंग। लेकिन हम ब्रीदिंग को अगर यहाँ मोटे तौर पर रेस्पायरेशन बोलते तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, रेस्पायरेशन में 5 स्टेप होते हैं, हाँ, और ब्रीदिंग उसमें एक पहला स्टेप क्या होता है? ब्रीदिंग। O2 लेना, CO2 छोड़ना। हालांकि हम सिर्फ O2 नहीं लेते और सिर्फ CO2 नहीं छोड़ते, सभी गैसेस लेते हैं, सभी गैसेस छोड़ते हैं। बात एकदम क्लियर है, लेकिन यहाँ रेस्पायरेशन की बात नहीं हो रही है। तो देखना, तो हम डिपेंडेंट है किस पर? एटमॉस्फेयर पर, एयर पर। किसके लिए? रेस्पायरेटरी नीड के लिए, अपने रेस्पायरेशन के लिए हम किस पर डिपेंडेंट है? एयर पे। तो देखना, वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर किस लिए? रेस्पायरेटरी नीड। रेस्पायरेटरी नीड मतलब तुम यहां बोल सकते हो रेस्पायरेशन मतलब O2 का लेना और CO2 का छोड़ना। O2 का लेना, CO2 का छोड़ना क्या बोल सकते हो? रेस्पायरेशन बोल सकते हो। हाँ, अब देखना, अब मान लो तुम हवा ले लो, जैसे दिल्ली की हवा ले लो, मजा आ जाएगा एकदम। हाँ, दिल्ली की भाई। हाँ, इधर देखना, अभी हम दिल्ली पर ही बात करेंगे, हमारा दिल्ली बहुत आगे है। हाँ, अभी देखना उसका वर्ल्ड में रैंक आता है किसमें? पॉल्यूशन में। चलो देखना, अब अगर बात करते हैं तो एयर पॉल्यूटेंट मतलब क्या है? एयर में ऐसा एजेंट जो एयर में एयर को क्या कर रहा है? पॉल्यूटेंट कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूटेंट। कॉज द इंजरी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एयर पॉल्यूटेंट ये नहीं देखेगा कि हम सिर्फ इंसान को इंसान के लिए घातक है, इंसान को घाटा पहुंचाएंगे, इंसान को इंजरी करेंगे। नहीं, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब तुम कहोगे सर प्लांट के लिए कैसे? अरे भाई, प्लांट के लिए एयर पॉल्यूटेंट्स घातक नहीं है, प्लांट के लिए भी घातक है, सबके लिए घातक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए क्या है? एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है? घातक है। बात एकदम क्लियर है। तो यहाँ क्या लिखा है? एयर पॉल्यूटेंट्स कॉज मतलब कराता है इंजरी कराता है किसमें? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ह्यूमन में नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखना, अच्छा एक बात लिखी एनसीईआरटी ने, हर सिलेक्टेड डिपेंड ऑन कितना ज्यादा इंसान, मान लो हम ह्यूमन का ले रहे हैं, ह्यूमन का नहीं, मान लो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड ऑन तीन बातों पर डिपेंड करता है, कोई इंसान कितना ज्यादा ग्रसित होगा, कितना ज्यादा हार्म होगा मतलब कितना ज्यादा उसे नुकसान पहुंचेगा, एयर कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। तो हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। मान लो हम कोई इंसान, अब मान लो क्या भाई, है इंसान, इधर देखना, दिख नहीं रहे क्या इधर? हम मान लो कोई इंसान है, हाँ मानो नहीं है, तो क्या है? हम मान लो, अब क्या है, हमें क्या होना है? हमें कोई एयरबॉर्न डिजीज, मान लो पॉल्यूशन की वजह से कोई डिजीज और एयर पॉल्यूशन की वजह से कोई डिजीज होना है, मान लो एक हमारे साथ कोई और ऑर्गेनिज्म है, तो क्या हुआ? तो अच्छा बताओ, थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल गया हमारे अंदर, हम तुरंत खटिया पे लेट गए, ऐसा होगा क्या? नहीं। क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्या होना चाहिए? उसकी मात्रा एक मतलब थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं दो चार डस्ट पार्टिकल गया और तुम तुरंत बीमार पड़ गए, तुरंत तुम हाँ सांस लेने में दिक्कत आ गई, ऐसा है नहीं। तो किस पर डिपेंड करता है हार्मफुल इफेक्ट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, कितना कॉन्सेंट्रेशन में पॉल्यूटेंट्स है। अच्छा तुम गाड़ी चला के मान लो एक दिन में आए, हाँ मान लो गाड़ी चलाए और बिना मुंह को कवर किए, अब तुम क्या एक ही दिन में बीमार पड़ जाओगे? रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाएगा तुरंत? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया वो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसका क्या है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। अच्छा मान लो ऐसा है, एक दिन जैसे गाड़ी चला के आए और फिर दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी लगातार तुम गाड़ी एक महीने तक चलाए, तो मे भी क्या हो सकता है तुम्हें? रेस्पिरेटरी डिजीज। अब मान लो एक घंटे के लिए हम गाड़ी चलाए, मान लो ऐसा है, दूसरा किस पर डिपेंड करता? पहला समझना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, तो क्या चाहिए? एक सही मात्रा में क्या चाहिए? पॉल्यूटेंट चाहिए तुम्हें डिजीज कराने के लिए। ऐसा नहीं थोड़ा सा ऐसे धूल, थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल या कुछ केमिकल अंदर चला गया हम तुरंत क्या हो गए? बीमार हो गए। नहीं, पर्टिकुलर क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन में क्या चाहिए? एयर पॉल्यूटेंट चाहिए।
अब दूसरी बात किस पर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर किस पर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर कितना ड्यूरेशन मतलब कितने समय हम उसके सामने हैं, कितना हम उसका सामना कर रहे हैं। मान लो हम एक मिनट एयर पॉल्यूशन में एक मिनट आए और तुरंत फिर घर में चले गए तो क्या हमें रेस्पिरेटरी डिजीज होगा? नहीं, कम से कम उसके कॉन्टेक्ट में क्या है, हमें ज्यादा रहना पड़ेगा। क्या कॉन्टेक्ट में ड्यूरेशन क्या हमारा ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो दूसरा किस पर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर मतलब कितने समय तक हम उसके कॉन्टेक्ट में हैं। अब तीसरा बात डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म, किस पर डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म। मान लो कोई बेकार सा ऑर्गेनिज्म है और मान लो कोई हम है। हाँ, इधर देखना, अब ऑर्गेनिज्म भी किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड करता है। मान लो इसको उसकी इम्यूनिटी कम है, या फिर मान लो इंसान की बात कर लो और कुत्ते की बात कर लो, या फिर इंसान की बात कर लो बिल्ली की बात कर लो, तो देखना कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है ये इस बात को भी डिसाइड करता है कि उस पर हार्मफुल इफेक्ट कितना पड़ेगा। तो हार्मफुल इफेक्ट कितनी बातों पर डिपेंड करता है, तीन बातों पर। कौन सा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, और क्या एक्सपोजर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, और तीसरे किस पे बात पर डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखना बात करते हैं स्मोक स्टैक थर्मल पावर प्लांट, यानी लेना पावर। हाँ, तो देखना स्मोक स्टैक थर्मल पावर प्लांट क्या होगा, जो बड़ी बड़ी चिमनियां लगी होती, जो क्या लगे होते, बड़े बड़े चिमनी लगे होते, वहां धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है, पॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है, इधर देखना। और उसके बाद होता है स्मेल्टर, स्मेल्टर मतलब होता है ये भी एक प्लांट होता है, क्या होता है, एक पावर प्लांट होता है जिसमें मेटल को क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। अब देखना और बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं जो रिलीज करते हैं पार्टिकुलेट, क्या रिलीज करते हैं, कुछ पार्टिकुलेट रिलीज करते हैं एंड गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स और गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स। हाँ, रिलीज करते हैं किसके साथ, टुगेदर, देखना यहां से लाइन इंपॉर्टेंट है, टुगेदर विद हार्मलेस गैसेस, मतलब ये क्या है, स्मोक स्टैक थर्मल पावर प्लांट है और स्मेल्टर है और अदर इंडस्ट्री है, ये क्या रिलीज कर रही है, पार्टिकुलेट रिलीज कर रही है और क्या, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट रिलीज कर रही है। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। लेकिन कह रहा है टुगेदर भी इसके साथ वो रिलीज कर रहा है गैस, हार्मलेस मतलब जो होता है जो हमारे हमें नुकसान ना पहुंचाए, और नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो क्या पहुंचाएगा, हो सकता है कुछ ना पहुंचा, हो सकता है फायदा पहुंचाए। तो तुम बताओ नाइट्रोजन हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो नाइट्रोजन भी हमारे लिए फायदेमंद है और ऑक्सीजन भी हमारे लिए फायदेमंद है। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जो इंडस्ट्री है, ये जो स्मोक स्टैक थर्मल पावर प्लांट या स्मेल्टर कुछ भी इंडस्ट्री हम ले रहे हैं, ये जो इंडस्ट्री, इससे जो धुआं, इससे जो एयर निकल रहा है, इससे जो धुआं निकल रहा है, उससे हम क्या करें, उससे पार्टिकुलेट मैटर और गैसियस पॉल्यूटेंट्स को छाट लें, छाट कर एक साइड कर दें, और उसके बाद यहां से निकाल लें क्या, यहां से हम निकाल लें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब बेकार वाला एक तरफ कर दें, अच्छा वाला एक तरफ कर दें। मान लो यहां से पूरा धुआं निकल रहा है, और हम ऐसा यहीं बीच में कोई प्लांट लगा दें, वो क्या कर दे, वो हार्मफुल वाले को इधर कर दे और जो अच्छा वाला गैसेस है उसको अलग से निकाल दे। तो देखना इतनी बात एकदम समझ में आई। अब देखना तो इसके लिए क्या होता है, दीज पॉल्यूटेंट्स फिल्टर आउट, इस पॉल्यूटेंट को फिल्टर आउट किया जाता है बिफोर द रिलीजिंग द हार्मलेस गैस इनटू एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में हार्मलेस। अच्छा बताओ तुम एटमॉस्फेयर में कौन सा, हमने कहा एक चिमनी है, यहाँ कोई मान लो धुआं निकालने वाला कोई भी चीज है, मान लो इंडस्ट्री है, तो यहाँ क्या है, यहाँ हमने लगाया प्लांट, और तुम एक तरफ चाह रहे हो, एक तरफ से तुम चाह रहे हो क्या निकले, हार्मफुल वाला पार्टिकुलेट गैस वो निकल जाए, और एक तरफ से क्या निकल जाए, हार्मलेस, जो जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो, हमारे लिए क्या है, हार्मलेस नहीं है बल्कि क्या है, फायदेमंद है। तो तुम बताओ किसको एनवायरमेंट में डालना चाहोगे, एटमॉस्फेयर में किसको डालना चाहोगे, जो हार्मलेस है,
हार्मलेस वाले को कहां डालना चाहोगे? एटमॉस्फेयर में। और ये जो बेकार वाला है इसको क्या करना चाहोगे? इसको चाहोगे कैसे भी करके हम कहीं दूसरी जगह सेटलमेंट कर दें, निकाल दें। बात एकदम क्लियर है? तो देखना कुल मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं हम, ये मान लो कोई क्या है, चिमनी है, हाँ? कोई मान लो इंडस्ट्री का चिमनी है, हाँ? कोई पहले चिमनी का होता पाइप मान लो, और यहां हमने कोई क्या निकाल, कोई क्या लगाया, कोई बीच में ऐसे प्लांट लगा दिया, कोई भी पावर प्लांट लगा दिया। अब यहां से हार्मफुल पूरा गैस था, मिक्स था, हाँ? इसमें तुम्हारा पार्टिकुलेट भी था, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स भी था, हाँ? और उसमें तुम्हारा ऑक्सीजन भी था और क्या था, नाइट्रोजन भी था। अब हम चाह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या कर दें, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन छोड़ दें और जो हार्मफुल है, हार्मफुल वाले को कैसे भी हम बाहर निकाल दें। तो बताओ हम किसको बाहर, किसको एटमॉस्फेयर में डालना चाहते हैं? O2 एंड नाइट्रोजन को, मतलब जो हार्मलेस है। तो इस अब लाइन को समझना, दीज पॉल्यूटेंट्स फिल्टर आउट। अब इसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि नहीं? हार्मफुल वाले को हमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा, फिल्टर करके निकालना पड़ेगा कि नहीं? दीज पॉल्यूटेंट्स फिल्टर आउट, फिल्टर आउट कब, कब? बिफोर रिलीजिंग ऑफ हार्मलेस गैस। बिफोर मतलब हार्मलेस गैस को निकालने से पहले, कहां? एटमॉस्फेयर में निकालने से पहले, एटमॉस्फेयर में निकालने से पहले पॉल्यूटेंट्स को क्या करना पड़ेगा? फिल्टर आउट। क्या करना पड़ेगा? फिल्टर आउट। बात एकदम क्लियर है? तो इसको आप फिल्टर करने के लिए, तो इसको हम कह सकते हैं कंट्रोल, कह सकते हैं एयर का कंट्रोल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अब देखना एयर में क्या नहीं जाने दे रहे हैं हम, पॉल्यूटेंट्स, तो एयर को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसके कई सारे प्रोसेस होते हैं, क्या इसके, इसको कंट्रोल करने के कई सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन जो किया है वो दो प्रोसेस में मेंशन किया है। कितने प्रोसेस? दो प्रोसेस। जो खतरनाक सा डायग्राम दिया है देखना, कुछ नहीं है उसमें, दो प्रोसेस मेंशन किया है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, अभी एक एक करके बात करते हैं। दूसरा है स्क्रबर, क्या है? स्क्रबर। पहला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और दूसरा क्या है? स्क्रबर। यही दो मेथड पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने क्या किया है, सिर्फ दो मेथड पे बात किया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, दूसरा क्या? स्क्रबर। अब देखना इन दोनों में से सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब देखना बात करते हैं, अगर हम देखो, एक होता है पार्टिकल, पार्टिकल मतलब क्या होता है? कण। एक होता है पार्टिकुलेट मैटर, एक होता है गैस। गैस मतलब जैसे CO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या होते हैं? सब गैस होते हैं। तो एक क्या है? गैस। एक क्या है? पार्टिकुलेट मैटर। तो हमने बताया कि पार्टिकुलेट मैटर भी घातक है हमारे लिए, और उसके बाद अभी बताएंगे कितने साइज का पार्टिकुलेट मैटर हमारे लिए घातक है, अभी बात में बताएंगे, हाँ? तो देखना मतलब कुल मिलाकर के हार्मफुल गैसेस भी हमारे लिए क्या है? घातक है। और पार्टिकुलेट जो एयर पार्टिकुलेट वो भी क्या है? घातक है। हम क्या एक को निकालेंगे एक को नहीं निकालेंगे? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? अगर एयर को क्या करना है, शुद्ध बनाना है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। दोनों को एयर से क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है? एयर से मतलब जो धुआं निकल रहा है, एयर में जा रहा है, वहां से निकालना पड़ेगा। तो इसके कितने मेथड है? दो मेथड है। कितने मेथड है? दो। देखना हमने बताया दो मेथड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और स्क्रबर। तो अगर हम बात करेंगे पार्टिकुलेट रिमूव करने की, किसको रिमूव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करेंगे कि हम बताओ पार्टिकुलेट रिमूव कर रहे हैं तो किसका यूज करेंगे, तो यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। मेनली हम बोल रहे हैं, ये नहीं बोलते हैं, हाँ? मेनली हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर बात किया जाएगा, अगर बात किया जाएगा हम गैस को रिमूव कर रहे हैं, हार्मफुल गैस को रिमूव कर रहे हैं, तो हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे स्क्रबर। ऐसा हमने नहीं कहा कि इसमें पार्टिकुलेट मैटर नहीं, पार्टिकुलेट मैटर रिमूव नहीं किया जा सकता, किया जाता है, लेकिन हम बात किस पर कर रहे हैं? स्क्रबर। तो मोस्टली पे हम बात करेंगे, मोस्टली रिमूव द गैसियस पॉल्यूटेंट्स। किसको मोस्टली रिमूव किया जाएगा? गैसियस पॉल्यूटेंट्स। और इसमें किसको रिमूव किया जाएगा मोस्टली? मोस्टली रिमूव द पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स मतलब ऐसा पार्टिकल जो क्या करा रहा हो, पॉल्यूशन करा रहा हो, उसे क्या बोलेंगे? पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। बात एकदम क्लियर है? अब देखना तुम्हें लगता है ये हल्के में लग रहा है, देखो अगली लाइन देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अभी हम पूरा मैकेनिज्म बताएंगे। अभी देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैन रिमूव कर सकता है 99% ऑफ पार्टिकुलेट, 99% ऑफ पार्टिकुलेट। इसका मतलब होता है प्रेजेंट, देखो भाई हमारा सिंपल है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है इन द एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब जो भी धुआं हुआ निकल रहा है, जो भी चिमनी से धुआं निकल रहा है, अगर मान लो उसमें 100% पार्टिकुलेट क्या है, प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर अगर हम लगा देंगे तो कितना परसेंट, कैन रिमूव द 99% ऑफ पार्टिकुलेट इन द एग्जॉस्ट, जो एग्जॉस्ट में प्रेजेंट है, कहां से निकला है, फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, कोई भी चिमनी उमनी ले लो। इतनी बात एकदम क्लियर है, इतनी बात बता रही। तो बताओ 99% पार्टिकुलेट मैटर कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिपिटेटर। अगर हम तुमसे कहेंगे कि बताओ हमें वर्णन करना है, हमें बताना है एक नाम, अगर हम गैसियस गैस को रिमूव करना चाह रहे हैं, तुम्हें एक नाम बताना है, मोस्टली गैस को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो क्या बताओगे, स्क्रबर। और उसके बाद हम कह रहे हैं मोस्टली हमें पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करना है, तो क्या बताओगे, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर।